हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सी एस पी रिजवान यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर दो सीरीज़ चल रही हैं, एक संविधान की और दूसरी रीजनिंग की। साथ ही साथ इस पर करंट अफेयर्स भी हम डिस्कस कर रहे हैं। एक और आप रिकमेंडेशन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि करंट अफेयर्स प्रत्येक दिन का होना चाहिए, 10 दिन का होने चाहिए या फिर 20-20 दिन का करंट अफेयर्स होना चाहिए, तो आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुरुआत करते हैं, आज 20 दिन का करंट अफेयर्स है। एक बार में 1 से 20 अप्रैल तक की बात हम आज कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं, ज़्यादातर पॉइंट कोरोना वायरस से या कोविड-19 से ही रिलेटेड हैं, डिस्कस करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA ने जूम नामक ऐप को साइबर अपराध के लिए संवेदनशील माना है। एक ऐप है जिसका नाम है जूम, ZOOM जूम। ये ऐप मीटिंग करने के लिए ऐप है। अगर आप किसी 50-60 लोगों की मीटिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए ये ऐप है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसे संवेदनशील माना है साइबर अपराधों के लिए। बहुत पॉपुलर ऐप है ये। दूसरा, भारत विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कुशल देश बना है। भारत में, जैसा कि आपको पता होगा, इंडिया इज अ बूमिंग आईटी कंट्री, तो विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कुशल, मतलब जहां लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज है, कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। और ये रिपोर्ट किसने बनाई है? डिजिटल वर्क प्लेस ने बनाई है। डिजिटल वर्क प्लेस नामक संस्था है। सीधे सीधे आपसे पूछ भी सकता है कि रिपोर्ट किसने बनाई है, वो आपको क्वेश्चन में दे देगा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कौशल देश है, ये रिपोर्ट किसने दी है या किसने बनाई है या ये डेटा किसने दिया है। तो वो है डिजिटल वर्कप्लेस नामक एक संस्था है, उसने ये डेटा या ये रिपोर्ट दी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत के कई क्षेत्रों में चमगादड़ में कोरोना वायरस, जैसे कोरोना वायरस के स्टार्टिंग में भी आपने सुना होगा कि चमगादड़ से ही फैला है, तो भारत ने भी ये रिसर्च में पाया है कि भारत के कई क्षेत्रों में चमगादड़ में कोरोना वायरस है। हालांकि ये जो कोरोना वायरस है, ये चमगादड़ से मनुष्य में नहीं जाता है, चमगादड़ में ही रहता है। तो बैट, इंग्लिश में कहते हैं बैट, चमगादड़ में कोरोना वायरस मिला है। पर्यटन मंत्रालय ने वेबिनार श्रृंखला शुरू की है और इसका नाम है देखो अपना देश। पर्यटन मंत्रालय है क्योंकि अभी लोग बाहर कहीं जा नहीं पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो पर्यटन मंत्रालय ने एक वेबिनार लॉन्च किया है जिसमें अपने देश की जो महत्वपूर्ण साइट्स होंगी वो दिखाई जाएंगी। पहला जो शहर था वो था दिल्ली। इस योजना के तहत पहला शहर जो दिखाया गया, देखो अपना देश के तहत जो पहला शहर दिखाया गया वो था दिल्ली। शार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, शार्क। तो शार्क जो देश हैं, भारत शार्क देशों को कोरोना से निपटने के लिए, भारत शार्क देशों को, सी है रीजनल कोऑपरेशन है, भारत शार्क देशों को कोरोना से निपटने के लिए ट्रेनिंग देगा। वहाँ के जो मेडिकल प्रोफेशनल होंगे शार्क देशों के, 8 शार्क देश हैं और कौन कौन से हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। सार्क देशों की संख्या 8 है और वो कौन कौन से देश हैं, ऑब्वियसली भारत उसका मेंबर है, तो वो कौन कौन से देश हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो सार्क जो हमारे पड़ोसी देश हैं, नाम से ही जाहिर होता है साउथ एशियन, तो जो साउथ एशिया के देश हैं, दक्षिण एशिया के देश हैं, वो उनका एक संगठन है। तो वहाँ के जो मेडिकल प्रोफेशनल होंगे, डॉक्टर वगैरह होंगे, उनको कोरोना वायरस से लड़ने के लिए या कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, भारत उसको ट्रेनिंग वगैरह देगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दो अलग अलग जगह से डेटा आया है तो दोनों हमने यहाँ पर लिख दिया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर हिंदी में कहते हैं विश्व मुद्रा फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व मुद्रा कोष, विश्व मुद्रा कोष इसे कहते हैं। विश्व मुद्रा कोष ने भारत की जो रैंक GDP ग्रोथ है वो 1.9 रहने का अंदेशा लगाया है, जबकि वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने यह 1.9% से 2.5% से 2.5, तो दो डेटा अलग अलग हैं। IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 1.9 रहने की उम्मीद जताई है, जबकि वर्ल्ड बैंक ने 1.5 से 2.5 रहने की उम्मीद जताई है। भारत सरकार ने RBI, ये इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, भारत सरकार ने RBI के साथ मिलकर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की शुरुआत की है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है? इसमें आप गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। अब गोल्ड बॉन्ड क्या होता है वो एक अलग टॉपिक है, आप बस इसको अभी ये समझ लें कि RBI भारत सरकार के साथ मिलकर गोल्ड बॉन्ड जारी करेगी। और ये जो गोल्ड बॉन्ड होगा इसमें मिनिमम आप 1 kg गोल्ड ले सकते हैं और मैक्सिमम 4 kg गोल्ड का बॉन्ड ले सकते हैं। तो ये RBI की शुरुआत भारत सरकार के साथ।
गूगल ने नियर बाय स्पॉट कौन सी दुकान अभी खुली है लॉकडाउन के समय और किस समय तक खुली रहेगी और कौन सी दुकान कब खुलेगी या कब बंद होगी, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है गूगल पे के जरिए से ये चलेगा। गूगल ने नियर बाय स्पॉट सेवा की शुरुआत की अभी, हालांकि इसमें को बेंगलोर में ही शुरू किया गया है लेकिन बाद में पूरे देश में इसको शुरू करने की योजना है, नाम है नियर बाय स्पॉट। भारत विश्व में, ये दवाई का नाम आप याद रखेगा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन नामक दवाई है, का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है, लगभग 70%, याद रखिएगा 70% दवा का उत्पादन भारत ही करता है और ये कोरोना से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण दवाई है, इसलिए भारत की इम्पोर्टेंस कोरोना से लड़ने के लिए बहुत अत्यधिक है। दवाई का नाम आप याद रखिएगा और 70% उत्पादन भारत में होता है। फिर से वही IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, रघुराम राजन को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। रघुराम राजन कौन थे, 2013 से 2016 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे हैं डॉक्टर रघुराम राजन, बहुत फेमस अर्थशास्त्री हैं, उनको IMF ने अपना सलाहकार नियुक्त, उनकी पूरी एक कमेटी होती है सलाहकारों की, तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने अपना सलाहकार समिति में उनको जगह दी है, नियुक्त किया है। केंद्र ने आरोग्य सेतु ऐप, ये इंपॉर्टेंट ऐप है, आप लोग भी डाउनलोड कीजिएगा इसे, केंद्र ने आरोग्य सेतु ऐप को डेवलप किया है और सभी अपने जो केंद्र सरकार के सर्वेंट हैं, मुलाजिम हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे कहा है इसको डाउनलोड करने के लिए। ये इससे कोरोना को से लड़ने में बहुत सहायता होगी, क्यों समझ के चलिएगा, कोरोना मैन टू मैन फैलता है, अगर किसी एक व्यक्ति को संक्रमण है तो वो दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर देगा। अगर इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे तो जितने भी भारत में कोरोना संक्रमित लोग हैं उन सबका डेटा इस ऐप में है। अगर आपके मोबाइल में भी ये ऐप डाउनलोडेड है तो वो आपको नोटिफाइड कर देगा कि आप इस एरिया में जा रहे हैं या इसके संपर्क में आएंगे तो आपको थ्रेट हो सकता है। तो केंद्र सरकार ने ये डेवलप किया है और IIT चेन्नई ने भी इसमें योगदान किया है, तो याद रखिएगा IIT चेन्नई का भी नाम। इसके बाद से आरोग्य सेतु ऐप IVRS को भी डेवलप किया गया है। क्यों डेवलप किया गया है, वो डेवलप इसलिए किया गया है क्योंकि अभी तक तो ये स्मार्टफोन के लिए ही थी ऐप, लेकिन IVRS के बाद अब ये जो नॉर्मल फ़ोन है, कीपैड फ़ोन है या जो नॉन एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफोन नहीं है, उनमें भी ये काम करेगी। सिक्किम, ये भी याद रखिएगा, सिक्किम देश का पहला राज्य है जिसने मैंडेटरी कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति सिक्किम में प्रवेश करना चाहता है तो उसे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है सिक्किम में प्रवेश करने से पहले, एंटर करने से पहले, सिक्किम का नाम भी याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने RBI ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, क्योंकि लोग बैंकों में जाकर भीड़ लगाते हैं, इसलिए RBI ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रही है कि आप डिजिटल भुगतान करें, डिजिटल तरीके से, ऑनलाइन तरीके से आप विड्रॉल करें या फिर ट्रांसफ़र करें किसी को पैसा, या फिर कुछ खरीद फरोख्त करते हैं तो आप डिजिटल फॉर्म में ही उसको यूज़ करें, तो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, अमिताभ बच्चन को। PPE, कई बार आपने कोरोना से जो प्रभावित एरिया है वहाँ बहुत सुना होगा PPE, इसलिए इसका फुल फॉर्म यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो डॉक्टर्स, नर्स वगैरह हैं वो जो एप्रन पहनते हैं, जो ग्लव्स पहनते हैं, जो फेस कवर पहनते हैं, उनको कहा जाता है PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। चलिए आगे चलते हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विप्रो के साथ मिलकर, अजीम प्रेम जी इसके मालिक हैं विप्रो के, और ये एक प्राइवेट कंपनी है, IT कंपनी, हालांकि बहुत सारे बिजनेस करती है लेकिन विप्रो का मेन काम IT या कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। तो DRDO ने विप्रो के साथ मिलकर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए फेस शील्ड बनाई है, फेस को कवर करने के लिए, कोरोना वायरस से जो स्वास्थ्यकर्मी लड़ रहे हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी वहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए फेस शील्ड बनाई है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेना के लिए हथियार वगैरह बनाने इसका काम है, और उसने विप्रो के साथ, जो है कि एक प्राइवेट कंपनी है। कोरोना के कारण ये योजना का नाम है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को 2 साल के लिए टाल दिया है, पेंडिंग में डाल दिया गया है कोरोना के कारण। योजना का नाम क्या है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। तमिलनाडु में स्थित कामराज पोर्ट, एक पोर्ट है भारत के बड़े बंदरगाहों में से एक है कामराज, कांग्रेस के
अध्यक्ष का नाम था, बहुत पुराने अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, इंदिरा गांधी के समय में कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो तमिलनाडु स्थित कामराज पोर्ट में सरकार ने अपनी 67% हिस्सेदारी को, लगभग 67% हिस्सेदारी को बेच दिया है। किस पोर्ट में? कामराज पोर्ट में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। टाटा पावर को, टाटा की एक कंपनी है, टाटा पावर को ग्लोबल एडिशन पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? ग्लोबल एडिशन पुरस्कार। इम्पॉर्टेंट, ये मोस्टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी या किसी परीक्षा में आवश्यक रूप से ये पूछा जाएगा पॉइंट। माउंट मोटर हॉर्न, पहले तो पहाड़ का नाम याद रखिए आप, माउंट मोटर हॉर्न कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। माउंट मोटर हॉर्न पर भारत का ध्वज लेजर से प्रदर्शित किया गया। नीचे आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पे एक चित्र दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपको वो चित्र दिखाई दे रहा होगा कि माउंट मोटर हॉर्न पर भारत का ध्वज लेजर के द्वारा फहराया गया। और भी कई देशों का ध्वज फहराया गया, अमेरिका, ब्रिटेन, पोर्चुगीज़, और भी कई, फ्रांस वगैरह का ध्वज यहाँ पर फहराया गया। स्विट्जरलैंड का मकसद ये था कि कोरोना से लड़ने के लिए पूरे विश्व को यूनाइट किया जाए, एकजुट किया जाए, इसलिए स्विट्जरलैंड के माउंट मोटरहॉर्न पर्वत पर जो बड़े देश हैं उनके झंडे को दिखाया गया, प्रदर्शित किया गया। ये कलाकार कौन है, किसने प्रदर्शित किया? लेज़र कलाकार हैं गैरी हॉफस्टेटर। गैरी हॉफस्टेटर जो हैं वो लेज़र कलाकार हैं और ये वो ऐसे कार्यक्रम वगैरह करते रहते हैं, ये भी स्विट्जरलैंड के ही हैं। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा, माउंट मोटरहॉर्न और भारत का ध्वज, इसके साथ और भी ध्वज फहराए गए थे। यूएस ने हार्पूस एंटीशिप मिसाइल और टॉर्पेडो को भारत को बेचने के लिए मंजूरी दे दी है। अमेरिका ने हार्पूस एंटीशिप मिसाइल, एंटीशिप मिसाइल एंटी एयरक्राफ्ट जो हवाई जहाज भेजने में सक्षम हो, जैसे भारत में है आकाश, आकाश भारत की एक ऐसी मिसाइल है जो एंटी एयरक्राफ्ट है और हवाई जहाज को, उड़ती हुई वायुयान को भेजने में सक्षम है। इसी प्रकार नाग जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है, मतलब टैंक को भेदने में सक्षम है। इसी प्रकार जो हरपूज है वो एंटी शिप मिसाइल है, जंगी जहाज़ों को डुबोने में सक्षम है, और उसको कहते हैं, उस कैटेगरी को कहते हैं टॉर्पेडो। तो अमेरिका इस हरपूज मिसाइल को भारत को बेचने के लिए मंजूरी अमेरिका की सरकार ने दे दी है। अमरीका ने WHO को दी जाने वाली आर्थिक मदद को रोक दिया। अमेरिका ने जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था उसको जो आर्थिक मदद अमेरिका देता था उसको अमेरिका ने रोक दिया। अब इसके क्या अच्छी बात है या बुरी बात, वो आप अपने जहन में रखें, सोचें, खुद पढ़ें इसके बारे में। तो जो अमेरिका है उसने WHO को दी जाने वाली मदद को रोक दिया। उस अमेरिका ने कारण ये बताया कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए WHO पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है, इसलिए ऐसा कदम उठाया गया है। प्रसिद्ध ब्रिटिश कॉमेडियन टिम कुक टेलर का निधन हो गया। टिम कुक टेलर ब्रिटेन के थे, कॉमेडियन थे, हास्य कलाकार थे और बहुत प्रसिद्ध थे, उनका निधन हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 129वीं जयंती मनाई गई। कब मनाई गई? 14 अप्रैल। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की 129वीं जयंती मनाई गई और उनका जन्म 1891 में, 1851 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मऊ में हुआ था। मध्य प्रदेश के वर्तमान में इंदौर में है, इंदौर जिले के मऊ में हुआ था। कब? 1891 में। कौन सी जयंती मनाई गई? 129वीं जयंती मनाई गई। मालदीव की मदद के लिए, भारत का पड़ोसी देश है मालदीव और एशिया का सबसे छोटा देश है, एक द्वीपीय देश है मालदीव। मालदीव की मदद के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की है। ये ऑपरेशन संजीवनी है क्या और भारतीय वायुसेना मालदीव की किस प्रकार से मदद कर रही है? वास्तव में भारत मालदीव को जाने वाला बहुत सा सामान भारत में था जिसको मालदीव तक पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना ने अपने वायुयान को लगाकर और वो मालदीव का सामान भारत से उठाकर मालदीव या मालदीव की राजधानी माले में पहुंचाया है, भेजा है। तो इसलिए ऑपरेशन संजीवनी का संबंध किससे है? भारतीय वायुसेना से, जिसमें भारतीय वायुसेना किस देश की मदद कर रही है? मालदीव की मदद कर रही है। उड़ीसा के CM मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल पुरस्कार दिया गया, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए सभी लोग
इंसानों को भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, नवीन पटनायक साहब ने जानवरों के भोजन की व्यवस्था की है, जो कि एक अच्छा कदम है। और उनको पुरस्कार कौन सा मिला है? हीरो टू एनिमल पुरस्कार। स्मार्ट ट्रिपल 19वें एशियाई खेलों के शुभांकर या मैस्कॉट जो है नामांकित किए गए हैं। स्मार्ट ट्रिपल क्या है? ये तीन रोबोटों का नाम है, ये नीचे आपको फोटो दिख रही होगी उनकी, तीन रोबोटों का नाम है स्मार्ट ट्रिपल, जो 19वें एशियाई खेलों के लिए शुभांकर या मैस्कॉट चुने गए हैं। 19वें एशियाई खेल कहाँ पर होंगे? 2022 में ये चीन के शहर हांगजो में आयोजित किए जाएंगे। अगला पॉइंट है, इंडिया और चाइना के बीच 70 साल हो गए हैं राजनीतिक संबंधों को। 1 अप्रैल को भारत और चीन के बीच राजनीतिक संबंधों को 70 साल पूरे हो चुके हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको इस पर एक अलग वीडियो चाहिए भारत और चीन के राजनीतिक संबंधों पर, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन, जो घंटी का निशान बना हुआ है, उसको भी प्रेस कर दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन आ जाए जब भी नया वीडियो हम अपलोड करें। तो अगर अलग से वीडियो बनाना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब चाइना और भारत के बीच जो राजनीतिक संबंध हैं उथल पुथल से गुजरे। 1962 में सीमा विवाद को लेकर युद्ध भी हुआ दोनों देशों के बीच, लेकिन प्रारंभ में और वर्तमान में दोनों देशों के बीच बड़े मधुर संबंध हैं और हिंदी चीनी भाई भाई के प्रारंभ में नारे लगते थे, वर्तमान में भी। हालांकि सीमा विवाद अभी भी उपस्थित है अरुणाचल प्रदेश में और अक्साई चीन जम्मू कश्मीर में, लेकिन फिर भी दोनों देशों के संबंध, राजनीतिक संबंध बड़े मजबूत हैं। आर्थिक संबंध भी बड़े मजबूत हैं दोनों देशों के बीच, बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार होता है। विंबलडन को स्थगित कर दिया गया है कोरोना वायरस के कारण। विंबलडन जो कि इंग्लैंड में होता था, एक अलग से वीडियो बनाया है, सारे जो ग्रैंड स्लैम है लॉन टेनिस से संबंधित होते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाके ज़रूर उसको चेक करिएगा। जो इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है विंबलडन, हरी घास पर आयोजित किया जाता है और सफ़ेद कपड़े पहनकर सभी खिलाड़ी उसे खेलते हैं, उसको कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया है। और इसमें बड़ी खबर यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार विंबलडन को स्थगित किया गया है। इसका संबंध लॉन टेनिस से है और ये इंग्लैंड में खेला जाता है। डगवर्ड लुइस क्रिकेट, डगवर्ड लुइस के जनक टोनी लुइस का निधन हो गया। जब अगर क्रिकेट में बारिश हो जाती है तो कौन सी टीम को जीता और कौन सी टीम को हारा घोषित किया जाए, उसके लिए एक नियम बना है जिसका नाम है डगवर्ड लुइस। तो उसके जनक में से एक टोनी लुइस का निधन हो गया। इसके बाद 15 अप्रैल को हिमाचल और विश्व कला दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को दो दिवस मनाए जाते हैं, हिमाचल और विश्व कला दिवस। इसके बाद 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने पंजाब के जलियांवाला बाग में, जो अमृतसर शहर के ठीक बाहर है, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के ठीक बाहर है, स्वर्ण मंदिर के बाहर है, वहां पर लोगों पर, भारतीयों पर गोली चलवा दी। नृशंस हत्या, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते इस घटना की। और सरकार के अनुसार 379 जबकि कांग्रेस के अनुसार 1008 या 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसके लिए हंटर कमीशन का भी गठन किया गया था और कांग्रेस की ओर से भी एक समिति बनी थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय उपस्थित थे उस समिति में। तो 13 तारीख को बैसाखी का दिन था, उस समय 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। 7 तारीख को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 1 तारीख को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। तो ये करंट अफेयर्स में आज इतना ही। आगे का करंट अफेयर्स जैसा आप बताएंगे वैस तरीके से चलाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि करंट अफेयर्स को प्रत्येक दिन का चलाया जाए, प्रत्येक 10 दिन का या प्रत्येक 20 दिन का। धन्यवाद आज की क्लास में।